साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की हर एक बाधा हरती है बेटियां। आज हम ऐसी ही एक बेटी के बारे में इस संदेश में बात करेंगे, जिसने बचपन से ही अपने कर्म और समर्पण से अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली कुमारी शाह। स्वर्गीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार शाह की बड़ी बेटी के रूप में डॉक्टर सोनाली का जन्म 25 जुलाई 1989 को हुआ था। डॉक्टर सोनाली ने अपने क्लास 10 तक का एजुकेशन अपने ही पिता के स्कूल से 2005 में पूरा किया। उसके बाद +2 DAV सुशील केडिया स्कूल से 2007 में कंप्लीट किया। डॉक्टर सोनाली शाह ने MBBS की पढ़ाई अगस्त 2007 से शुरू किया और उनको MBBS की डिग्री अगस्त 2013 में मिल गई। अभी डॉक्टर सोनाली शाह अपने MDHA की डिग्री के लिए BPKIHS धरान में पढ़ाई कर रही है। अब जब डॉक्टर सोनाली की शादी होने जा रही है तो उनके फैमिली मेंबर्स डॉक्टर सोनाली के लिए कुछ बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी बहन डॉक्टर तेजस्विनी शाह को क्या कहना है? हाय सोनाली, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा शादी होने वाला है, आई वॉज सो हैप्पी कि अब तो सारा रूम मुझे मिलेगा, अलमारी मेरा रहेगा और नो शेयरिंग, फैन का फाइट कुछ नहीं। बट स्लोली स्लोली वो रियलाइज होने वाला है कि अब तो तुमसे झगड़ा ही नहीं कर पाएंगे। वो बचपन का डेज जो हम लोग किचन सेट खेलते थे, लाइक लिटरली मेरी बहन हो गई, तुमको किचन सेट नहीं अच्छा लगता था, मेरा किचन सेट और वो बचपन से डॉल के साथ खेलना कितना अच्छा रहता था। बट सोनाली दीदी को हमेशा बुक्स 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 की ड्राइंग करना है कि बुक्स पढ़ना है, और मेरे साथ तो वो पार्टनर बन ही नहीं सकती थी। मेरा और भैया का फाइट होता था तो सोनाली दीदी एकदम मेरे साइड में साइड लेने के लिए आती थी, और बाद में हम और भैया भाग जाते थे और बाकी बची सोनाली दीदी। सारा का पिटाई सोनाली दीदी को लगता था। पहले तो सोनाली दीदी मामा जी लोग के पास रहती थी, आफ्टर सर्टेन गैप सी केम, है ना, और वो मुझे पता ही नहीं था वो मेरी अपनी बहन है, और सब मुझे घर में एडॉप्टेड सिस्टर बोलते थे। मैं सच में सोचती थी रियली मैं एडॉप्टेड सिस्टर हूँ, बट वो सब नॉस्टैल्जिक डेज है, कुछ याद नहीं। बाद में पता चला मैं उसकी अपनी बहन हूँ, और पढ़ने में तो वो पहले से ही बहुत अच्छी थी और मुझे बदमाशी करने में बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला और मुझे कुछ प्राइज़ नहीं मिला, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रोने वाली थी। रियल पहले तो सबसे यंगेस्ट, उसके ऊपर से मैं ज़्यादा पैम्पर्ड, सो आई थॉट कि रोते वक्त प्राइज़ मिल जाता होगा बच्चे लोग को, बट मेरी माँ और डैड ने प्राइज़ दिया नहीं मुझे, और सोनाली दीदी प्राइज़ लेके चली गई। आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड एंड आई वर्क्ड हार्ड, उसके बाद पढ़ना शुरू किया और उस दीदी के साथ मैच करने का कोशिश हमेशा मेरा रहा। और कहीं पर भी हम लोग जाते थे, किसी के मैरिज में, कहीं पर भी ट्विनिंग, ड्रेस सेम, हॉबीज सेम, लाइक डिसलाइक सेम। लाइक हम लोग 3-4 ईयर से कराटे सीखना शुरू किए थे, और वो कराटे पता नहीं, हम लोग हमेशा व्हाइट बेल्ट में ही रहे, लेकिन दोनों के बीच में कराटे कम और फाइट ज़्यादा होता था। वो बहाना हम लोग को मिल जाता था कि एक दो फाइट करना शुरू करना है बोल के। ये जो बचपन का हम लोग का मुरन का फोटो है, हम तुमको देख रहे थे कि ये सिर्फ टकलू हो रही है, मुझे मज़ा आ रहा था तुम्हें टकलू देखे हुए, बट बाद में पता चला कि मुझे भी टकलू करने वाले हैं वो लोग, मेरा भी मुंडन है। और ये हम लोग का पोखरा का पिक है, जिसमें मुझे तो उतना कुछ याद नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि मैं थोड़ा बहुत दांत दिखाने में चैम्पियन थी। और ये फ़ोटो है हम लोग का सरस्वती पूजा का, जिसमें हम लोग
न्यूली कुर्ता का कुर्ता थोड़ा सा कुर्ता पहनने का दोनों को मन कर रहा था और हम लोग जिद करके डैडी जी से ये कुर्ता खरीदवाए थे और किसी का बर्थडे आए तो हम लोग खूब एक्साइटेड हो जाते थे। डांस करना नहीं करना पता नहीं, कूदना फांगना यही हम लोग का कॉमन इंटरेस्ट था। और कलकत्ता जाते वक्त ये हम लोग फ्रॉक सेम लगाए थे और हमेशा कहीं गए तो ट्विनिंग अप करना ही ज़्यादा अच्छा लगता था दोनों बहन को। और पीपल भी नेम राइमिंग था सोनाली मोनाली तो सुन के ही थोड़ा अच्छा लगता था, सोनाली मोनाली मोनाली सोनाली। और कभी काल तो ट्रिपल ही राइमिंग है सोनू सोनाली मोनाली और हमेशा मोनाली का स्पेलिंग मुझे कन्फ्यूज़न था, MONKEY। आई यूज़ टू थिंक मोनाली MONKEY और मेरी दीदी इतनी बदमाश थी मुझे करेक्ट भी नहीं की। बाद में मुझे पता चला कि MONALI मोनाली होता है। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में सोनाली दीदी है सारी दुनिया हमें संग रहना है। अब तो पता नहीं सेम जगह रह के भी वही बचपन का डेज फिर रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, वो मेमोरीज जो मेरे माइंड में अभी तक चल रहा है वो तुम नहीं होने के बाद सारा रूम तो मुझे मिल जाएगा लेकिन वहाँ शांति नहीं मिल पाएगा। जो शांति खोजते हैं तुम्हारे साथ, जो हम लोग अप्स एंड डाउन बेस्ट फ्रेंड के साथ जैसे बात शेयर करते थे, लगता ही नहीं था कि तुम मेरी दीदी हो। जो बोलना चाहते थे कभी किसी का बारे में वो इजीली आपसे शेयर कर पाते थे। और तुम तो दीदी हो लेकिन हमेशा तुम बोलना मेरा हैबिट रहता था। पता नहीं अब आप तुमसे आप कब बनोगी वो पता ही नहीं चला कि तुम मेरी सीनियर हो। हमेशा सीनियर हो के भी मैं दादी माँ बनती थी और तुम्हें एडवाइस देने में मुझे मज़ा लगता था, बट लाइफ उतना इजी नहीं होता है। अब पता चल रहा है कि तुम जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड थी, सीरियसली लेती थी, पेशेंस रखती थी, वो धीरे धीरे अब तुम जाने के बाद तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ही आएगा। पहले तो सबसे यंगेस्ट थी, कोई किसी का डांट भी नहीं मिलता था, सबका प्यार मिलता था। अब पता चल रहा है कि क्यों नहीं पहले मुझे कोई डांटा, डांटे रहते तो क्या पता तुम लोग जैसे मैं रहती। आई होप कि सोनाली और मोनाली पहले की तरह वैसे ही एक सिंगल रूम शेयर करते और काश तुम नहीं जाती, लेकिन ये अब संसार का नियम है कि वर्ल्ड का नियम है पता नहीं। सोनाली दीदी को छोड़ के जाना ही पड़ेगा और तुम अपने कहीं पर भी जाओगी, कहीं जाओगी तुम्हारा स्माइल से सब आदमी इम्प्रेस रहेगा, खुशी रहेगा और तुम और जीजा जी हमेशा खुश रहना। डैडी जी, मम्मी, सोनू भैया, भाभी, मोनाली भी ऑल लव यू सोनाली दीदी। आइए अब चलते हैं डॉक्टर सोनाली के नानी के पास जिनका नाम है श्रीमती जयपति देवी। डॉक्टर सोनाली, आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि तू आज हम लोग को छोड़कर एक नया घर बसाने की शुरू की है। ठीक है भगवान, तुम्हें तू जहाँ कहीं भी रहेगी सदा खुशियाँ ही बांटती है, ऐसा तेरा चेहरा से झलक आ रहा है। तुम्हें वो शक्ति है जो तुम्हें बार बार आगे की ओर अग्रसित कर रही है। दिन की भी छुट्टी होती थी तो मढ़िया जरूर पहुँच जाया करते। जब तुम्हारे मामा चंडीगढ़ में इंडियन ऑयल का जॉब करते थे उस समय तुम्हारे पापा मम्मी और हम लोग सबको साथ लेकर चंडीगढ़ घूमने गए थे। उस समय रॉक गार्डन का ये फोटो है, हम लोग घूमने गए थे। सोनाली, जब तू बच्ची थी तुम्हारे पापा को हमसे बहुत लगाव था, जहाँ कहीं भी जाते थे अपने माँ को और अपनी सास को यानी हमको तुम्हारे नानी को सदा एक साथ ही लेकर जाया करते। जब वो दिन तू लोग बचपन में थी तब हमको ले गए शिमला और तू लोग सभी लोग मेरे साथ गई थी, वो दिन भी याद है जे कितना नन्हा प्यारा भोला भाला मेरा माने परिवार है। मुझे वो दिन भी याद है जब तुम लाल फ्रॉक पहनकर मेरे साथ मेरे अंगुली पकड़कर घुमा करती। जब मैं तुझे पढ़ाने के लिए बैठती थी
तो तू क को उल्टा लिखा करती थी। मैं लार प्यार से तुमको पढ़ाने बैठती थी, लेकिन जब तुम नहीं सुधरी उसके बाद तुझे हमको सजा देना पड़ा। उसके बाद तू कभी रुकी नहीं, दिन व प्रतिदिन तू आगे ही आगे बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते तू इतना बड़ा मुकाम पर पहुंच गई जो आज तू डॉक्टर सोनाली कहला रही है। सोनाली, तुम्हारे मुस्कान से सब सम्मोहित हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर भगवान का दिया हुआ वो खूबी है जो तुम सबको हर जगह अपने तरफ आकर्षित कर लेती हो। अब डॉक्टर सोनू कुमार अपनी बहन डॉक्टर सोनाली के लिए कुछ कहना चाहते हैं। हेलो सोनाली, अब जब तुम्हारा शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, तब जब याद करते हैं कि तुम्हारे साथ का जो रिलेशन एक मॉम और डैडी जी के साथ जो था, और उसके बाद कभी हम ज़्यादा क्लोज कुछ शेयर करना रहा, कुछ का कोई सजेशन लेना रहा, तो जब भी तुम्हारा ही हेल्प रहा। और हम लोग हर एक फेज़ में, जब बचपन से याद आता है तो हर एक फेज़ तुम्हारे साथ एक नॉट एज अ ब्रदर एंड सिस्टर बट एक दोस्त के हिसाब से भी तुम्हारे से बात करते थे, और हमेशा वो एक सजेशन, वो सपोर्ट हमेशा रहा। याद करते जब हॉस्टल में हम जब छोटे से ही 1-2 में थे, तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं रईस लोग हमको हॉस्टल में रखे, और तुम लोग के लिए भी ट्राई हुआ लेकिन तुम लोग नहीं आ पाई। और तुम लोग जब भी एक तुम ही हो जो 10 क्लास तक घर पे डैडी जी मम्मी के साथ हमेशा रही, और कहीं ना कहीं उस कारण से तुम्हारा ज़्यादा कनेक्शन मम्मी और डैडी जी से था। और उस कारण से भी कभी भी कुछ घर का बात शेयर करना हो, कुछ भी शेयर करना हो, तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ही पास रहता था। और स्ट्रगल का भी बात है तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तुम्ही को करना पड़ा। कहे कि वो डेवलपिंग फेज़ में वो घर का हर एक प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो तुम उसको हमेशा उसमें तुमको एज अ सफरर भी रहना पड़ा। बट एट लास्ट तुम सबको फेज को आउट करते गई, और आज जहाँ पे तुम जब डैडी बीमार भी हुए उस समय भी तुम्हारा स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ही था। और उस समय भी जो सपोर्ट का है कि हम जब कॉलेज में थे और एक अलग ही मेंटल वॉर में हम अपना उस समय जब रईस बीमार हुए तो लग रहा था कि क्या करे कैसे करे, और इधर स्कूल भी देखना, उधर रईस जी लोग को भी देखना, सब एक साथ पड़ा, तो उस समय कहीं ना कहीं तुम एक सेवियर बन के आई, और उस समय तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ भाई आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, हम इधर स्कूल देखते हैं। तो वो सब हमेशा याद रहता है। और तुम अपना कैरियर के बारे में नहीं सोचकर वो टफ डिसीजन सब ली हो, और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने का वो तुम्हारे उस पर दिखाता है। और यही चीज़, ये बॉन्डिंग जो तुम्हारा मेरा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी चीज़ हो, जितना भी एक दूसरे, कभी कोई कोई बात में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है तो उस पर हम लोग लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, और फिर बाद में रियलाइज़ होने के बाद बहुत जल्दी फिर उस चीज़ को ज़्यादा मन में नहीं लगाते थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी कारण से हो हम लोग का बॉन्डिंग हमेशा से अच्छा रहा। और कभी भी कोई बड़ा डिसीजन हो, एक छोटा स्पेलिंग भी पूछना होता है तो हम तुम्ही को फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या चीज़ टाइप करें, क्या लिखे, तो वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब चीज़ तुम्हारे में पॉजिटिवनेस बहुत है, और निगेटिव चीज़ को हटा के पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा आगे लाओ, और जो स्ट्रेंथ है तुम्हारा उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करो तो और अच्छा तुम्हारा लाइफ होगा। कुछ मेमोरीज़ जो फ़ोटो हम लोग देखते हैं तो याद आता है, उसमें जब खरसोंग थे तो वहाँ पे वो जो टी गार्डन में फ़ोटो शूट होता है वो मेमोरीज़ है। उसके बाद उस समय गैंगटॉक सिक्किम गया हुआ फ़ोटोज़, उसके बाद कुछ बर्थडेज़ का फ़ोटो सब है जो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे साथ में, सब आदमी रहते थे। हम लोग कहीं जब कलकत्ता घूमने गए थे,
दिल्ली घूमने गए थे जब सब डैडी जी मम्मी लोग सबके साथ हम लोग घूमते थे, वो सब मेमोरीज है। उसके बाद सबसे अच्छा मेमोरी जब मम्मी डैडी जी का 25th एनिवर्सरी जो फर्स्ट टाइम हम लोग स्टेज पे आके कुछ होस्ट किए होंगे, वो वाला मेमोरीज बहुत अच्छा है। कहे कि वो स्टेज पे हम लोग साथ में आके फर्स्ट टाइम कुछ किए थे और आज तुमको स्कूल प्रिंसिपल होके करना पड़ रहा है और हम लोग स्कूल में आके अब एक कॉमन हो गया अब हमेशा बोलना, ये सब मेमोरीज है जो तुम्हारे साथ एज अ ब्रदर सिस्टर बॉन्डिंग वाला एकदम ही इम्पोर्टेंट फेज है हम लोग का। और ये स्ट्रेंथ हम लोग को प्रॉब्लम्स में जो भी जितना भी प्रॉब्लम आया सबसे निकालने में ये बॉन्डिंग बहुत हेल्प किया। और कुछ भी शेयर करना हो एक दूसरे से तो शेयर करना सबसे इजी तुमसे था। हेलो सोनाल दीदी, आई थिंक हम लोग का ये रिलेशनशिप 10-12 ईयर्स हो गया है। जब मिले थे हम लोग वहाँ लाजिम पार्क है ना, लाजिम पार्क में मिले थे, एडमिशन मेरा वहाँ करवाए थे, तभी से एज अ सीनियर थे आप वहाँ तभी, और लाइक तभी से हम लोग अभी तक साथ ही हैं। और उसके बाद सिस्टर इन लॉ भी हुए है ना, उसके बाद यही है, कभी बीच में कुछ हुआ हम लोग के बीच में, कभी ऐसे कभी हंसते कभी कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, वैसा होता ही है ना। पर अब ये नया लाइफ आपका शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट पहले बोलना चाहते हैं। और लाइक बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है इस लाइफ में क्या, इसीलिए थोड़ा कूल होके काम होके ये चीज़ ये रिलेशनशिप को बढ़ाना है। और भाई ये रिलेशनशिप में लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हस्बैंड का सपोर्ट होना, वो बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर वो है तो सब चीज़ अच्छे से हो जाता है, फैमिली मेम्बर्स जैसे भी हो इट डजेंट मैटर, वो तो मतलब लाइक अच्छा तो होना ही होता है, सब आप अच्छे रहिएगा तो सब अच्छा रहेगा क्या, इसीलिए ये अच्छे से निभाना है और अपने पति को खुश रखना है। हो गया, दैट्स ऑल। अब उनकी दादी माताजी सुशीला देवी को अपनी पोती के बारे में क्या कहना है? पोता पोती अपने बेटा सब आदमी के लिए पुखरा पोते के आशीर्वाद दे छी, सदा दिन सुखी शांति रह जाए छी। और अब चलते हैं डॉक्टर सोनाली कुमारी शाह की माँ के पास, श्रीमती वीना देवी जी। 1985 में 9 मई जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब नया हम लोग अपना जीवन शुरुआत किए, तो शुरुआत करने के बाद एक लड़का जन्म लिया सोनू। उसके बाद मेरे श्रीमान का मन था कि नहीं एक लड़का हो गया अब नहीं चाहिए, तभी भी हम अपने किशोरी जी से जब भी प्रार्थना करते थे हे माता हमको एक लड़की चाहिए, हमको एक लड़की दीजिए, तो माता ने सुन ली और एक सोनाली बेटी जन्म दी। जब सोनाली बड़ी होने लगी तो फिर भगवान से प्रार्थना कि नहीं एक और बेटी चाहिए, तो एक तेजस्वी भी आ गई। सोनाली जब बाल्यकाल से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत तेज थी, जब भी उसके पापा अपने साथ कहीं भी जाते थे ले जाते थे, कोई मीटिंग हुआ कोई भी कार्यक्रम में, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम, जब भी अपने साथ लेके जाते थे। यहाँ तक कि हम लोग घूमने फिरने जहाँ भी दार्जिलिंग खरसियांग शिमला जहाँ भी जाते थे पूरा परिवार साथ लेके जाते थे, अपने तीनों बच्चा मेरी माँ और मेरी सास तीन सब आदमी, हम लोग पाँच फैमिली पाँच दो सात सात आदमी जब भी ज्वाइंट रूप में जाते थे जब भी। हाँ सोनाली जो जो बड़ी होने लगी क्यों क्यों डॉक्टर साहब जब भी उनके बारे में बोलती थी हे भगवान अगर बेटी किसी को भी दो तो सोनाली जैसा दे, जब भी डॉक्टर साहब बोलते थे अगर बेटी भगवान किसी को दो तो सोनाली जैसा दे। सोनाली दिन रात जब भी डॉक्टर साहब जब भी आते थे काम करके तो बिना पैर जाते हुए कभी भी नहीं सोए, डेली वो पापा का सेवा करती थी, पापा को बाल में तेल लगाना पैर जांचना खाना खिलाना जूस बना के देना सब काम पापा के लिए इतना की, और पापा का आशीर्वाद से वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनी, माने हर गुण उसका पापा के साथ जुड़ा हुआ है, लायंस क्लब से लेके जेसी से लेके
रेड क्रॉस हर में इन्वॉल्व किए डॉक्टर साहब, हर एक कार्यक्रम में उनको अपने साथ ले जाना, हर वक्त हर पढ़ाई लिखाई स्कूल में देख रेख करना और अपने साथ ही उसको पढ़ाए। बड़ा लड़का को खरसिया में भेजे, छोटी वाली को बूढ़ा लिंगन भेजे, लेकिन सोनाली को अपने से अलग कभी नहीं रखे उन्होंने आज तक। और इतना कम उम्र में SLC वो 2 साल पहले कर ली, जितना उम्र होना चाहिए उससे पहले 2 साल उनको कम करके SLC करवाए, इंटर भी टाइम पर कर ली और मेडिकल में भी जल्दी से डॉक्टर साहब भेज दिए और एकदम टाइम में वो पास भी कर गई। और पास करके आई तो पापा का ऐसा स्थिति था, सेवा भी इतना की, इतना मन लगा कि उस सेवा की पापा का, भगवान उसका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहेगा, इतना सेवा की जितना दिन बीमार थे 3 साल वो ठीक से कभी सो नहीं पाई। जब भी पापा के सेवा के लिए हॉस्पिटल में जाना हो चाहे जहाँ भी जाना हो, यहाँ तक कि पेट में फूड पाइप लगा हुआ था उसके लिए भी वो डेली कम से कम 4-5 बार ड्रेसिंग करती थी और इतना वो सेवा करती थी, रात में दिन में जितना भी हो हॉस्पिटल जाना, कीमो चढ़ाना, रेडिएशन, जहाँ भी एकदम जी लगा के दिल से पापा का उस सेवा की। और पापा हर वक्त हर समय कहते थे हे भगवान बेटी अगर किसी को दे दो तो सोनाली जैसा दे, जब भी डॉक्टर साहब ही कहते थे कि बेटी किसी को भी मिले तो सोनाली जैसा मिले। अंतिम स्थिति में तो डॉक्टर साहब बोलते थे कि काश हम ऑपरेशन नहीं कराए रहते तो 2-4 और बेटी रहती। हमको बहुत अच्छा से सोनाली सेवा की। हाँ, मेरा आशीर्वाद हर वक्त हर समय सोनाली के साथ रहेगा। मेरा शादी जिस साल 25वां सालगिरह हुआ तो बेटा और बेटी दोनों मिलके यहाँ बंदी था, माओवादी का बंदी था, फिर भी वो लोग प्लेन से आके ये लोग दोनों मिलके 25वां मैरिज एनिवर्सरी भी मनाए। हाँ, उसमें भी बेटा बेटी दोनों डॉक्टर साहब 25वां एनिवर्सरी में हम लोग पूरा परिवार माने पूरा परिवार एकदम खुशहाल था। सिर्फ किसका न किसका बुरी नज़र लगा। उसके बाद डॉक्टर साहब को 25वां सालगिरह के 2-3 महीना के बाद उनको कैंसर रोग लग गया, कैंसर लग गया उनको। उसके बाद जब कैंसर से लड़ रहे थे तो मैंने बहुत रोई और बोले कि 3-3 बच्चा को डॉक्टर क्यों बनाए डॉक्टर साहब। उन्होंने बताया कि आज डॉक्टर है तब तो मेरा इतना देख रेख हुआ है, DAB इसका SLC तो यहाँ से की। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोले कि इसको अब बाहर भेजने के लिए, इंटर के पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं। तो हम लोग काठमांडू में गए, DAV स्कूल में एडमिशन करवाएं। वहाँ बहुत अच्छा से स्कूल कर रही थी। एक दिन हम और डॉक्टर साहब दोनों आदमी गए प्रिंसिपल से मिलने कि क्या इसका इसके बारे में कि कोई कैसा है। तो उनकी प्रिंसिपल थी भुवनेश्वरी मैडम, उन्होंने बताई कि डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ा कर्म किए थे कि ऐसा बेटी मिली है, सो ये तो अगर भगवान किसी को भी बेटी दे तो सोनाली जैसा बेटी दे। उनकी मैडम बोली, इस पर मेरे श्रीमान और हम दोनों आदमी खुशी का ठिकाना नहीं, एकदम गदगद हो गए खुशी से कि चलो कम से कम बेटी को इस लायक बनाए हैं कि जहाँ भी जाते हैं सब उसको आशीर्वाद ही मिलता है। सोनाली को पूरा घर परिवार जहाँ भी मौसी मौसा नाना नानी जहाँ भी जितना रिलेटिव अंकल आंटी सब उसको आशीर्वाद ही देते हैं, उसको भरपूर आशीर्वाद मिला है। अब दुख तो यही है कि उसके पापा शादी में नहीं है, इसलिए दुख तो हम लोग को बहुत हो रहा है कि उनका पापा को सपना नहीं देखा पाए। बीमार थे तो एक दिन डॉक्टर साहब को याद आया, इतना सीरियस थे 15 दिन से भोजन नहीं किए थे, उनको पानी का पाइप लगा हुआ था। तो हमको रो के बोले कि हम स्कूल के लिए इतना कर दिए, तुम मेरे लिए एक बेटी का शादी नहीं कर सकती हो। उन्होंने बहुत गुस्सा कर हमको बोले कि तुम जनकपुर जाओ, हमको छोड़ दो, हम अपना सेवा हम अपने कर लेंगे, लेकिन मेरी बेटी के लिए लड़का चूज करके लाओ। उस समय में भगवान का क्या लिखा था, 15-20 लड़का भी हम लोग देखे, लेकिन संजोग नहीं लिखा था, शादी कहीं नहीं हुआ। उनका अंतिम इच्छा था कि बेटी का शादी देखे, लेकिन भगवान का इच्छा नहीं था इसलिए शादी नहीं देख पाए। ऐसे ही जब उनका बेटा बेटी का शादी करने के लिए शादी के बाद नहीं दिखा पाए तो बहुत ज़ोर से हम रोने लगे कि हम एक आप मेरे लिए इतना काम कर दिए, हम आपके बेटी का शादी नहीं दिखा के जा रहे हैं, खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो उन्होंने बताया तुम क्यों रोती हो, तुमको तो हम 2.5 से बेटा बेटी दे के जा रहे हैं, तुम्हारा सब देख रेख करेगा, तुम कभी भी मत रोना, हर वक्त हर समय हमेशा मुस्कुराते रहना और
हर एक अढ़ाई से बाल बच्चा जो है सबको देख रेख करते रहना, यही उन्होंने उनका अंतिम इच्छा बोल के हम गए हैं।